अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे कि प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इंक्रीज मतलब क्या होगा, जब कोई चीज में किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है तब हम उसे इंक्रीज कहते हैं, डिक्रीज जब हम कहते हैं कि जब कोई चीज कम हो रही है। ठीक है, अभी बहुत बेसिक लगेगा ये सुनने में कि मैम ये क्या बता रहे हो इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कैसे समझोगे, कोई अगर रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड को तुम एक लिमिट तक क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, और एक लिमिट तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास हाथ में ये पीस ऑफ रबर बैंड है तो अगर मैं इसे स्ट्रेच करती हूँ तो जिस लिमिट तक ये जा रहा है उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, और अगर हम उसको रिलीज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों कंसेप्ट अलग हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज अलग है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अलग है। इंक्रीज और एक्सपेंशन को सिनोनिमसली यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एक अलग कंसेप्ट है। क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये अलग से पढ़ा जाएगा। क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का, ये अलग से पढ़ा जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। सीएसईटी के पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप हड़बड़ा के गलत आंसर कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें रूल आउट कर देनी है। ठीक है, चलो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है ये पढ़ते हैं। इन चेंजेस इन डिमांड इंक्लूड एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ पीडीएफ है तो आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी में इसको मार्क करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्यों होगा, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स एटसेट्रा। मतलब वो चीजें जो कि क्या बनती है, अदर डिटरमिनेंट्स बनती है। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकना बस। सारे वो फैक्टर्स जो कि अदर डिटरमिनेंट्स बनते हैं डिमांड में चेंज आने के, अदर डिटरमिनेंट्स मतलब अपनी प्राइस छोड़ के, कमोडिटी की खुद की प्राइस छोड़ के जो फैक्टर्स डिटरमिनेंट्स बनते हैं, अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनमें अगर कोई बदलाव आता है तो क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो आप लोग क्या नोटबुक में क्या चीज कॉपी करोगे, आप लिखोगे अदर डिटरमिनेंट्स, मतलब जब किसी कमोडिटी के अपने प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर्स में अगर बदलाव आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, अदर डिटरमिनेंट्स, और उनके कारण होने वाले बदलाव को हम इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। ठीक है, तो चेंजेस इन डिमांड इंक्लूड एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स एटसेट्रा, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस चेंजेस। खुद के प्राइस में बदलाव नहीं आया है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, कमोडिटी के उन डिटरमिनेंट्स में चेंज आया है जो उसकी ओन प्राइस को छोड़ के। ठीक है, इस इंक्रीज और डिक्रीज को हम शिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिफ्ट भी कहते हैं। कैसे बताऊंगी, इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप यहाँ पे प्राइस के ऊपर लिख सकते हो ओन प्राइस, तो व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट इज अ केस ऑफ ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स जब ज्यादा डिमांड की जाएगी एग्जिस्टिंग प्राइस में, मतलब पहले भी बॉटल का प्राइस 10 रुपीज था, अभी भी बॉटल का प्राइस 10 रुपीज है, पर लोग इसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो दूसरी बॉटल की कंपनी थी, जो दूसरा ब्रांड था, उसका कमोडिटी महंगा हो गया, तो ये वाले ब्रांड के बॉटल्स लोग ज्यादा ले रहे हैं। समझ में आया, या ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के कारण पहले वो जिस टाइप की बॉटल कंज्यूम कर रहे थे, और ये जो एक नया एक अच्छी बॉटल का टाइप है जो पहले कंज्यूमर्स कंज्यूम कर पाने की स्थिति में नहीं थे ड्यू टू देयर लिमिटेड रिसोर्सेस और इनकम, अब उनकी इनकम बढ़ जाने के कारण नाउ दे कैन कंज्यूम दीज काइंड्स ऑफ बॉटल। क्या हो गया इसका मतलब, कमोडिटी का प्राइस उतना ही रहा
ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं बदला, बाकी फैक्टर्स में बदलाव आने के कारण डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड आर शोन बाय अ शिफ्ट टू द राइट। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग। जैसे अभी मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद को ही मूव करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ कैसे, देखो मैं अगर ऐसे बैठी हूँ, शिफ्टिंग क्या कहलाएगी, ये मैं शिफ्ट हुई अपनी जगह से, समझ में आया। हम जब कहते हैं कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम एक लोकैलिटी से उठ के दूसरी लोकैलिटी, दूसरे लोकेशन में जा रहे होते हैं, करेक्ट। तो जब डिमांड कर्व इस पोजीशन से उठ के, डी से उठ के D1 की तरफ जा रहा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग। समझ में आया इतना। और जब भी कभी आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, देखो ये एरो देखो कैसा दिख रहा है, बाहर की ओर दिख रहा है, इसका जो फेस है वो कहाँ है, बाहर की ओर है। तो जब भी कभी कोई डिमांड कर्व बाहर की ओर शिफ्ट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज। जब भी कभी कोई कर्व अंदर की ओर है, मान लो ऐसा होता, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आया। तो अगर, और ये इटर्नल रूल है ना, ये थंब रूल है सारे ग्राफ्स के लिए, कभी भी अगर कोई कर्व इस तरफ की ओर जा रहा है, राइट हैंड साइड को, तो हम उसे क्या कहते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला कर्व, मतलब कुछ बढ़ रहा है। और इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, ऐसा अगर आ रहा है कोई कर्व इनवर्ड, तो हम उसे क्या कहते हैं कि डिक्रीज हो गया है किसी चीज में। यहाँ पे वो चीज क्या है, यहाँ पे वो चीज है डिमांड। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड आर शोन बाय अ शिफ्ट टू दी राइट। यहाँ पे राइट साइड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है डिमांड, इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो गई है। रीजन क्या है डिमांड के इंक्रीज होने का, अपनी प्राइस छोड़ के बाकी किसी भी डिटरमाइनिंग फैक्टर में कोई बदलाव आ गया है। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई चेंज नहीं है, कमोडिटी पहले भी 10 रुपए की थी, कमोडिटी अभी भी 10 रुपए की है, पर फिर भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है और कर्व बाहर की ओर शिफ्ट हो गया है, ऐसा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और यही अगर उल्टा हो जाए, तो कमोडिटी का प्राइस अभी भी 10 रुपए है, कमोडिटी का प्राइस अभी भी 10 रुपए है, दोनों केसेस में 10 रुपए था, पर फिर भी लोगों ने कमोडिटी को कंज्यूम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, जिसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। देखो अंदर की ओर आ रहा है एरो, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा मैम, हो सकता है जो कॉम्पिटिटर फर्म है, कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है, उसने अपने कमोडिटी का प्राइस कम कर दिया होगा, पॉसिबल है मैम, इनकम कम हो गई होगी, लोगों का प्रमोशन होता है, अच्छा काम करने के कारण हमने इतना गंदा काम किया, इतना गंदा काम किया कि हमारा डिमोशन हो गया। डिमोशन मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लेवल का स्टेटस था, वो नीचे हो गया, आपको पहले ऑफिसर कैडर में आप थे, आपको क्लर्क बना दिया, क्योंकि हमने इतना गंदा काम किया, तो हमारी सैलरी 25,000 से उतर के 10,000 हो गई, कमोडिटी का प्राइस उतना ही था 10 रुपए, पर अब हमारी अफोर्डेबिलिटी या क्षमता उस कमोडिटी को खरीदने की नहीं रह गई, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया। तो डिक्रीज इन डिमांड मींस लेस डिमांड एट सेम प्राइस, प्राइस उतना ही है पर फिर भी लोग उसे कम कर रहे हैं, कम डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कैन डिक्रीज एंड कॉज अ शिफ्ट टू दी लेफ्ट। अभी बताया था मैंने, राइट की ओर बाहर मतलब इंक्रीज है, और जब भी लेफ्ट की ओर जा रहा है या इनवर्ट जा रहा है, तो इसका मतलब डिमांड डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इंक्लूडिंग अ फॉल इन इनकम, जैसे अभी हमारा डिमोशन हुआ, अज्यूमिंग अ गुड इज अ नॉर्मल गुड, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट एंड राइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है, कोई डाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में तो पूछो, और अगर समझ में आ गया है तो यस बोल दो। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब क्लास चालू होती है तो हंसते हंसते क्यों नहीं आते, वैसे गुड आफ्टरनून ऐसे करते हुए हंसते खेलते, या तो मैं बहुत ज्यादा डरावनी हूं तुम लोगों के लिए कि अब ये फिर पढ़ाने आ जाएगी इसलिए डर जाते हो मुझसे, ऐसे हंसते खेलते आया करो ना खूब। एक पिछले वाले बैच में क्या होता था, CSET के एक स्टूडेंट थी आशिका और निवेदिता, वो लोग तो मतलब ऐसा इमोजी भेजते थे, मुझे इतनी हंसी आ जाती थी,
वो लोग इमोजीज शेयर करते थे एक से, आयुष शायरियां भेजा करता था, जैसे आज हम कोई भी ऐसी मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास के स्टार्ट होता था, तो एक ऐसा माहौल होता था ना पढ़ने का, तुम लोग एकदम ऐसे चुप बैठे रहते हो, या तो अभी तक ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो कि हाँ हमको नवंबर में पेपर देना है, या तो ऐसा डर है, या तो ये है कि मैं ही बहुत खतरनाक लगती हूँ तुमको कि देखते ही साथ एकदम दुबक के बैठ जाओ, ऐसा है क्या? चलो अब पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? रबर रबर बैंड सेम है, बस खाली वो या तो अपनी ही पोजीशन में एक्सपैंड हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में किसी प्रकार का कोई शिफ्ट नहीं होता। देखो पहले वाले में हमने क्या किया था, मान लो ये डी है, तो जब हमने कहा कि इंक्रीज इन डिमांड है तो हमने क्या कहा, हम D1 में शिफ्ट हो गए। जब डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो हम D2 ऐसे आ गए, इसको हमने कहा शिफ्ट, इंक्रीज या डिक्रीज, राइट? पर यहां पे क्या होता है पता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व सेम रहेगा, जैसे ये नहीं होती है फिसल पट्टी, एक ही कर्व रहेगा और इसमें हम या तो ऊपर की ओर जा रहे होंगे या तो नीचे की ओर आ रहे होंगे, इसे कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? जब भी हम कभी इधर की ओर जा रहे हैं, बाहर की ओर, अभी भी बताया था, जब भी कभी हम बाहर की ओर शिफ्ट होते हैं या बाहर की ओर खसक रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन, क्योंकि ये ज्यादा है ना, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं हम, तो अगर हम बाहर की ओर जा रहे हैं मतलब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, मतलब डिमांड एक्सपांड हो रही है, और जब हम इधर की ओर जा रहे हैं मतलब हम कम डिमांड कर पा रहे हैं अब, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? डिमांड का बढ़ जाना या सिकुड़ जाना, इजी है कंसेप्ट। कारण क्या है, अपनी ही प्राइस में चेंज आने के कारण अगर डिमांड बढ़ती है या घटती है, एक्सपैंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अपनी ही प्राइस, ओन प्राइस ऑफ दी कमोडिटी में अगर बदलाव आता है तो, जो कि लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा है, यही चीज पढ़ी है ना, कैसे पढ़ी है कि अगर P1 से प्राइस गिर के P2 हो गया तो डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी। देखो पहले हम Q1 खरीद रहे थे, अब हम Q2 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, जब प्राइस P1 से बढ़ के P3 हो गया, यहां पहुंच गया, तो अब हम कम डिमांड कर पा रहे हैं, मतलब पहले हम Q1 डिमांड कर रहे थे, अब हम खाली Q3 ही डिमांड कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, ओन प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, अपनी ही प्राइस में चेंज आने से, कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर बाकी फैक्टर्स में चेंज आता अपार्ट फ्रॉम ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो क्या होता, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, पर अगर खुद का प्राइस घट या बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस, ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड, एंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है? ये है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये है, जब बाहर की ओर आएगा तो एक्सपैंड हो गया, जब पीछे की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा बैकवर्ड साइड में, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? क्लियर है? कोई भी डाउट तो बता दो, इसको मिटा दूं, रहन देती हूँ या तो। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे बेसिकली डिमांड और रिलेटेड कंसेप्ट सारे खत्म हो गए ना, यहाँ पे डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट आर ओवर, ठीक है? इनमें कोई भी डाउट है तो फट से पूछो, वरना हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन पढ़ेंगे, इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। यहां तक सबके डाउट्स क्लियर हैं? डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स, एक हो गया प्राइस, एक हो गई इनकम, एक हो गई क्रॉस, ठीक है? उसके बाद अभी हमने पढ़ा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जिसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं,
जो कि दूसरे डिटर्मिनेंट्स के कारण होती है, अपनी ही प्राइस में चेंज आने के कारण जब डिमांड बढ़ती है या घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं।